हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, ये वाटर लिली के प्लांट को अब मैं लगाने से पहले इसे डिसइनफेक्ट करने जा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने लगभग 4 लीटर पानी में 2 चम्मच पोटेशियम परमैंगनेट यानी पोटास डाला है, और अब इसमें अपने इस वाटर लिली के प्लांट को डिप करूंगी। लेकिन डिप करने से पहले मैं इसकी, देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी पत्तियां हैं, उन सबको कट कर दे रही हूं। इसके 2 रीजन हैं, एक तो इसमें इंसेक्ट लगे हुए हैं ढेर सारे, और दूसरी रीजन ये है कि प्लांट्स को ज़्यादा स्ट्रेस ना हो, ज़्यादा बर्डन ना पड़े उन पत्तियों को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि वो वैसे भी आगे रॉट हो ही जाएंगे। तो मैं पहले ही उन्हें रिमूव कर दिया मैंने, और उसके बाद इन प्लांट्स को अच्छे से पहले पानी में, साफ पानी में, नॉर्मल पानी में मैं इनका वॉश किया। उसके बाद उसे इस पोटेशियम वाले पानी में डिप कर रही हूँ। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसके रूट बहुत सारी टूट चुकी है, इसके राइजोम नहीं निकाल पाए हम लोग। बहुत कोशिश किए हम लोग निकालने के, लेकिन नहीं निकाल पाए। देखिए फ्रेंड्स, अब इस प्लांट को पोटास वाले पानी में कम से कम आधे घंटे के लिए मैं छोड़ दूंगी। तब तक मैं अपने पॉट की मिट्टी तैयार कर लेती हूँ। और ये देखिए, इसकी पत्तियों पर इतने सारे इंसेक्ट चिपके हुए हैं। ये देखिए, ये शायद स्नेल के लार्वे हैं जेली फॉर्म में। तो इसी तरीके से सारी पत्तियों पे इस ऐसे ऐसे जेली चिपके हुए हैं। और ये देखिए, ये कोई कीड़ा है। तो अगर मैं ऐसे ही इस प्लांट को लगा देती तो मेरे दूसरे वाटर लिली जो पहले से ग्रो कर रखा है मैंने, उस पे भी इसके अटैक हो जाएंगे। तो उससे बेहतर है कि पहले ही इसे क्लीन कर लिया जाए। कभी भी कोई वाइल्डली ग्रो किया हुआ प्लांट लगाने से पहले उसे डिसइनफेक्ट करना ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। तो मैं ले रही हूँ अब 2 ये पॉट, और बिना ड्रेनेज होल किए इस पॉट में मिट्टी भरा, और बनाना के छिलके जो हैं सूखे हुए वो मैं डाल रही हूँ। इस बार मेरे पास पाउडर नहीं है, क्योंकि हमारे एरिया में बहुत बारिश हो रही है, तो मैं पाउडर नहीं बना पाई। बस जैसे तैसे सूखा कर रख लिया था। तो 1 लेयर मिट्टी की देने के बाद अब इसमें मैं डाल रही हूँ लगभग आधा आधा कप बर्मी कंपोस्ट, और अब इसके बाद ऐड करूंगी फिर 1 लेयर मिट्टी। और फ्रेंड्स देखिए, जो ये मिट्टी मैं यूज कर रही हूँ वो खेत की चिकनी मिट्टी है। और इसके बाद फिर मैं डालूंगी अपनी सूखी हुई चाय की पत्तियों का डस्ट, जो कि मैं पिछले वीडियो में भी इसे यूज किया था, तो वही मैं फिर इसमें डाल रही हूँ। टी लीफ जो है नाइट्रोजन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो वाटर लिली के लिए ये टी लीफ बहुत अच्छा फर्टिलाइजर का काम करता है। अब देखिए, मैं इसमें डाल रही हूँ ये 1 लेयर मिट्टी के देने के बाद। मेरे पास काऊ डंग नहीं था, तो मैं कंडे यूज कर रही हूँ, गाय के गोबर से बने हुए कंडे या उपले जो कहिए, और उसे फिर 1 लेयर मिट्टी मैंने ऐड कर दी। अब देखिए फ्रेंड्स, ये कंडों को यूज करने का मेन कारण है कि ये एक स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइजर का भी काम करता है। और ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसे डायरेक्ट इस प्लांट को नहीं लगा सकती, तो इसके, क्योंकि ये हमारी मछलियों के लिए हार्मफुल हो सकता है पोटास जो कि इसमें लगा हुआ है। और इसे अच्छे से पानी से मैं धो लूँगी। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो पोटास वाला पानी भी धुल जाएगा, दूसरा इसमें कुछ जो इंसेक्ट मरा हुआ रह गया होगा या अर्ध आधा मरा आधा जिंदा जो जैसा भी हो, तो वो भी हट जाएगा। मैं पूरी प्रोटेक्शन ले रही हूँ कीड़ों से अपने प्लांट को बचाने के लिए। आप देख सकते हैं इसकी पूरी रूट टूटी हुई है, लेकिन फिर भी मैं 2 2 प्लांट एक एक पॉट में लगा रही हूँ। देखिए अब इस वाले प्लांट का रूट देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल टूटी हुई रूट है, छोटी छोटी बॉड भी है। अच्छे से दबा दबा कर मिट्टी फिल किया। और देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए, इसमें छोटी सी बॉड है प्यारी सी, ये देखिए। तो पता नहीं, अब ये प्लांट अगर लग गया तो इसकी ब्लूमिंग जरूर होगी, लेकिन अगर नहीं लगा तो रॉट हो जाएगी। तो वैसे तो मैं 4 प्लांट लेकर आई हूँ, लेकिन अगर 1 प्लांट भी ग्रो कर गया तो मैं अगले सीजन तक इससे ढेर सारी प्लांट बना लूँगी, इतना तो मुझे विश्वास है। लेकिन बस 1 प्लांट भी लग जाए, वैसे तो मैं चाहूँगी कि 4ों मेरे प्लांट लग जाएँ, लेकिन देखूँ
क्या होता है, ये देखिए इस वाले में भी एक बर्ड है छोटी सी। तो अगर ये प्लांट अगर लग जाता है तो इसी साल इसी सीजन में इसकी ब्लूमिंग होगी, और अगर नहीं लग पाता है तो सारे के सारे रॉट हो जाएंगे। अब देखते हैं, 50-50 चांस है, क्या होता है उसकी भी मैं अपडेट आपके साथ शेयर करूंगी। अब देखिए मैं इसमें पानी डाल दे रही हूँ पहले ही, ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं मॉइस्ट मिट्टी यूज किया है, तो हो सकता है एयर पॉकेट इसमें हो, तो पानी डालने से ये एयर पॉकेट फिल हो गया। और देखिए थोड़े ऊपर है रूट को, तो उसे वाटर लिली के रूट को थोड़ा सा प्रेस करके नीचे कर दिया। और पानी गंदा होने की बात मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो उसका सॉल्यूशन ये है, ये मैंने लिया है सैंड जो कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, उसे मैंने पानी से वाश कर लिया है, और लगभग 1.5 इंच मोटी लेयर इसके ऊपर मैं बिछा दे रही हूँ दोनों गमलों में। और फ्रेंड्स, इस वाटर लिली के साथ साथ मैं एक और एक्वेटिक प्लांट पॉन्ड से लेकर आई थी, जो मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इतना करने के बावजूद भी ऊपर पानी गंदा है, तो मैं अभी डायरेक्ट इसे इसी तरीके से टैंक में शिफ्ट नहीं करूंगी। मैं ले रही हूँ एक बकेट में पानी, साफ पानी, और उसमें इन गमलों को डिप करूंगी। और डिप करने से क्या होगा, देखिए ऐसे 2-3 बार डिप करने से इसकी सारी की सारी गंदगी पानी में निकल जाएगी, और इसमें जो मैंने डाला सैंड वो भी इसके चारों तरफ एक बराबर फैल जाएगा। तो इसे दो फायदे हुए फ्रेंड्स। तो देखिए अब साफ कर, अब पारी है इन पॉट्स को अपने टैंक में शिफ्ट करने की। तो देखिए पिछले बार मैंने दो दो पॉट रखे थे नाइट ब्लूमर वाटर लिली के, तो एक मैंने हटा दिया, इसके लिए जगह बनाया, और इसमें अब मैं अपने दोनों व्हाइट वाटर लिली को शिफ्ट इसी पॉन्ड में कर रही हूँ। एक पहले से नाइट ब्लूमर मैंने रखा हुआ है, इसमें एक को हटा दिया है। और फ्रेंड्स पिछली वीडियो में मैं बताना भूल गई थी, मैं जब ये वाटर लिली का प्लांट लेकर आई थी तो एक और प्लांट लेकर आई थी, एक्वेटिक प्लांट जो कि मार्सिलिया है, जिसकी वीडियो मैं फिर कभी शेयर करूँगी। और अब देखिए 8 दिन के बाद इसका ग्रोथ, दोनों वाटर लिली के लीफ में अंतर पता चल जाता है। डे ब्लूमर वाइट लिली का ग्रीनिश ज़्यादा है और नाइट ब्लूमर रेड लिली का रेडिश है। तो ऐसे तो देख के, प्लांट को देख के लग रहा है कि प्लांट मेरा लग चुका है, सक्सेस है, लेकिन अभी भी मैं कुछ कह नहीं सकती। अभी भी इसकी कुछ टूटी हुई डंडियाँ रॉट हुई है, तो मैं उसे रिमूव करते जा रही हूँ। 10-15 दिन के बाद इसकी की असली अपडेट पता चलेगी। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से अपना सपोर्ट चैनल के साथ बनाए रखिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और बेल बटन को ऑल पे रखिए ताकि नेक्स्ट वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए अच्छी लगे तो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार फ्रेंड्स।